और एक ही जगह डेली जाते हो क्या अलग अलग? बस ये अपना कबीर नगर घूमते हैं। ये क्या आपको मिलता है तो ज्यादा फायदा होता है? मशीन के मिस्त्री से ये इसमें कैसे आप आ गए? इसमें थोड़ा ज्यादा पैसा है। कितना सैलरी मिलता था उसमें? 21,000। 21,000? वहाँ मेरा बाल भी झर जा रहा था जहाँ काम कर रहा था। वहाँ बाल झड़ जा रहा था। अभी 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 आने लग गया है बाल, अभी हल्का फुल्का। कितने बजे से निकलते हो? सुबह 5 बजे। आज क्या क्या मिला है आपको दिन भर में? पेपर मिला है। हाँ, लोहा हुआ कुछ मिला? नहीं, लोहा कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है, ये कुछ मिला है। अच्छा, तो ये कितने का माल होगा? अभी बेचोगे तो कितने का बन जाएगा? 700 का। 25,000 तक बन जाता है? हाँ, बन जाता है आराम से। वाह यार, एक छोटा सा रिस्पेक्ट देना चाहूँगा मैं आपको, नेवर गिव अप इंडिया और दर्शकों की तरफ से, और एक क्लैप करना चाहूँगा मैं आपको। हेलो गाइज, मैं रोशन सिंह, नेवर गिव अप इंडिया। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मेरे पूरे वीडियोज़ देखते होंगे। गाइज, मेरे साथ है मिस्टर मोनू कुमार जी, देख सकते हैं वो एक ऐसा कबाड़ी का काम करते हैं, ये पिछले 4 महीने से कर रहे हैं। इससे पहले वो और कुछ काम करते थे, जॉब करते थे, बट वो ये बिज़नेस में क्यों आए हैं ये हम लोग जानकारी लेंगे थोड़ा सा, और इस बिज़नेस में कैसे स्टार्ट करते हैं ये सब आपको जानकारी मिलेगा। कबाड़ी वाले आपको देखते होंगे रोड में बहुत सारे मिलते हैं, आपको भी लगता होगा कैसे मेहनत, ये बहुत मेहनत करते हैं। और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए डेली लाता हूँ, दोपहर 1 बजे और रात को 9 बजे, ऐसे ही आप देख के कुछ ना कुछ आइडिया ले सकते हैं। और बिज़नेस का बहुत सारे आइडिया देता हूँ, बहुत कम पैसे में आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हो और ऐसे आगे बढ़ सकते हो। तो मेरा वीडियो डेली आता है दोपहर 1 बजे और रात को 9 बजे, ऐसे ही देखिए और सीखिए कुछ, और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए ये हम मिस्टर मोनू जी से मिलते हैं और आगे की जानकारी लेंगे। मोनू भाई, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। ये आप कब से कर रहे हो ये वाला काम कबाड़ी का? 4 महीने। 4 महीना। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मिस्त्री था मशीन का। अच्छा, हाँ। तो ये मशीन के मिस्त्री से ये इसमें कैसे आप आ गए अचानक? इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा है ना। अच्छा, हाँ। तो मिस्त्री में क्या जॉब करते थे आप? नहीं, मशीन बनाता था। अच्छा, तो वो किसी के अंदर काम करते थे? कितना सैलरी मिलता था उसमें? 21,000। 21,000? 21,000 का जॉब छोड़ के आप ये वाला काम चालू कर दिए? क्यों ऐसा? इसमें क्या है, अपना एक टाइम घूमते हैं, 500-600 रुपया बन जाता है। अच्छा, हाँ। तो कितने टाइम घूमते हो? कितने 2 बजे तक घूमेंगे, उसके बाद आराम करेंगे। और कितने बजे से निकलते हो? सुबह 5 बजे से 1:30-2 बजे तक काम करोगे? हाँ बस। तो ये वाला क्या खरीदे हो, ये वाला रिक्शा? नहीं, ये सेठ का है। अच्छा, सेठ का है। हाँ। तो ये क्या रेंट देते हो क्या इसका? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, माल उनको देते हैं। अच्छा, माल उनको देते हैं। हाँ। अच्छा, उन्हीं के अंदर आप काम करते हो? बस माल उनको देते हो? हाँ, और क्या माल है अपना, बेच के पैसा ले लेता हूँ। अच्छा, उन्हीं से पैसा ले लेते हो? और ये रिक्शा का कुछ चार्ज ही नहीं लेते हो, फ्री में दिया आपको? फ्री में। अच्छा, ये अच्छा है। तो क्या क्या आज क्या क्या मिला है आपको दिन भर में? पेपर मिला है। हाँ, और कार्टून मिला है। ज्यादातर आपको आज कार्टून ही कार्टून दिख रहा है? हाँ, आज कार्टून मिला है। अच्छा, हाँ। और क्या अंदर क्या मिला है आपको, लोहा हुआ कुछ मिला? नहीं, लोहा कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है, ये कुछ मिला है? ये मेरा कांटा है। अच्छा, कांटा ये? अच्छा, हाँ। वजन कांटा है। अच्छा अच्छा, तो अभी ये कितने का माल आपने अभी तक कर लिया है? 200 रुपये कार्टून लिया, 280 रुपये का। हाँ, और 200 का पेपर लिया था। अच्छा, तो ये कितने का माल होगा, अभी बेचोगे तो कितने का बन जाएगा? ये 700 का बनेगा। 700 का बन जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा इतने में? 300 रुपया। 300 रुपया प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे चल रहा है अभी किलो इसका? ये दुकान पे 15 रुपया है। अच्छा, 13-14 में लेते हैं। अच्छा, 13-14 में लेते हो और 15-15 में ऐसे बेचते हो। तो कैसा है अभी ये काम आपको कैसा लग रहा है अभी? ये अच्छा है। अच्छा है, उससे अच्छा है वो मिस्त्री का जो? हाँ, वो 12 घंटा ड्यूटी था। वो 12 घंटा ड्यूटी था? हाँ, 9 बजे लगो, 9 बजे छुटो। अच्छा, और ये अपना 8 घंटा घूम टहार के। अच्छा, तो इससे फैमिली चल जा रहा है अभी? हाँ। उसमें 21,000 मिलता था, अभी इसमें कितना कमा ले रहे हो महीना? इसमें और ज्यादा बन जाता है। और ज्यादा बन जाता है। हाँ, अभी तो धंधा स्लो है इसलिए नहीं बनता है। हाँ, 25,000 तक बन जाता है? बन जाता है आराम से। वाह यार, मतलब आप नॉर्मली देखा जाए तो अभी नौकरी में ढूंढने जाएंगे है ना, कॉलेज पढ़ के भी तो ज़्यादा ज़्यादा 15,000-10,000। आप कुछ पढ़ाई किए हो? हाँ। कितना पढ़े हो? 6 तक। 6 तक? 6 के बाद फिर आप छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिए? घर पे कोई था ना इसलिए छोड़ दिए। अच्छा, तो आपकी अभी शादी हो गई है? हाँ। बच्चे हैं?
नहीं, अभी गर्मी में शादी हुआ, मई में। अच्छा, मई में हुआ है। तो आप अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दोगे, मतलब है ना? हाँ। मतलब आप ये भले ही काम कर रहे हो, हाँ, लेकिन बच्चे को अच्छा एजुकेशन दोगे, उसको अच्छा ही संस्कार देंगे ना? हाँ, नहीं नहीं सही बात है, वो बहुत जरूरी है। और ये बताओ यार कि इसमें सबसे ज्यादा क्या आपको मिलता है, तो ज्यादा फायदा होता है? लोहा। लोहा? हाँ। और वो कैसे मिलता है? कोई घर से टूटा, हाँ, जंगला खिड़की, हाँ, और ये सब बाकी वगैरह गेट वोट हो गया, हाँ, हाँ, तो उसमें बन जाता है। बन जाता है। तो आप क्या चिल्लाते हुए घूमते हो? कैसे? हाँ। क्या क्या बोलते हो, घूमते हो? ये लोहा टीना कबाड़ वाले। अच्छा, ऐसे बोल के? हाँ। तो आप क्या आवाज थोड़ा टोन चेंज कर देते हो? और ज्यादा चेंज कर दूंगा। अच्छा अच्छा, ऐसा है। तो बहुत अपने सच में ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है, तो एक बार में मुझे थोड़ा सा एक बार चलाते बोलो क्या, कैसे? हाँ। आप जो टोन से बोलते हो उसी टोन से बताओ। एलो वाले टीना पीपा पुस्ता कवाड़ वाले। अच्छा, ऐसे आप? हाँ। तो आप थक नहीं जाते हो दिन भर ऐसे बोलते? थकेंगे, थोड़ा छांव में कहीं आराम कर लेते हैं, फिर चालू कर देते हैं। अच्छा। हाँ। और नॉर्मली कॉलोनी से लोग निकल जाते हैं? निकल जाते हैं। और एक ही जगह डेली जाते हो कि अलग अलग? बस ये अपना कबीर नगर घूमते हैं, ये गुरुदेव के इधर। हाँ, हाँ। बस यहीं तक घूमते हैं, इतना काम बन जाता है। और डेली सेम जगह? हाँ, देखो मेहनत का काम है, केला खींचना बहुत मेहनत लगता है। हाँ हाँ, फिर धूप में दौड़ना है, सबकी बस की बात नहीं रहता है। हाँ हाँ। तो यार बहुत अच्छा लगा आपसे ये मिल के, और बहुत मोटिवेशन मिला। और सच में आप मतलब अच्छा काम कर रहे हो, कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हो आप। फैमिली को पालने के लिए एक अच्छा मतलब ये जरिया है। आपने रिस्क लिया, आपने जॉब को छोड़ दिया और ये काम चालू किया है ना। मोनू जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी दिया। मोनू भाई, इसमें आपने कुछ खर्चा किया जब चालू किया तो इस बिजनेस को? नहीं नहीं, एक रुपया नहीं, वो सेठ पैसा देता है। अच्छा। अभी हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो वो देगा, जाओ माल अपना खरीद के लाओ। अच्छा। उसका पैसा वहीं कटवा देंगे तुरंत। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा है, मतलब आपको रिक्शा मिल गया। अगर ये रिक्शा कोई लेना चाहे, कितने का आ जाता है नया रिक्शा? ये 15,000। 15,000? महंगा है। अरे एक डेढ़ क्विंटल का तो पूरा है। हाँ हाँ। तो आज हो गया कि अभी और घूमोगे? अभी अभी ये पूरा कॉलोनी बाकी है, घूम अभी बाकी है। तो मैं आपका बहुत कीमती समय ले रहा हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक छोटा सा रिस्पेक्ट देना चाहूँगा जनता की तरफ से और नेवर गिव अप इंडिया की तरफ से। एक छोटा सा रिस्पेक्ट देना चाहूँगा मैं आपको नेवर गिव अप इंडिया और दर्शकों की तरफ से, और एक क्लैप करना चाहूँगा मैं आपको। ये रिस्पेक्ट है मोनू भाई। कभी कभार होता है अपन ये सब काम करते हैं तो क्या लगता है आपको इज्जत मिलता है क्या इस काम में? हाँ है इज्जत, है इज्जत, कोई इशू नहीं है। आदमी का अलग अलग सोच रहता है, कोई सोचते हैं कि ये सारे लोग का इज्जत नहीं है, ऐसा सोचते हैं बड़े लोग, कुछ लोग। हाँ, हाँ, कुछ लोग बड़े लोग भी इज्जत देते हैं, पानी भी पिला देते हैं। अच्छा, आपको कोई देख के लगेगा कि आप 25,000 कमा लेते हो? मेरे को तो, मैं तो आपको अभी देखा चलते हुए, मेरे को तो आपको कहीं से भी कोई एंगल से एक्चुअली नहीं लगता है, मतलब जो सच है वो है। बट आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इससे आपके फैमिली भी चल जा रहा है बढ़िया से। और अगर ये कोई काम करना चाहता है तो कर सकता है, उसको आसपास के कोई ये इसके पास जाना पड़ेगा, उससे आइडिया लेना पड़ेगा, कबाड़ वाले के पास, कबाड़ दुकान के पास। हाँ। ये क्या लोकल यहीं पास में दे देते हैं कबाड़ को, पैसा तुरंत मिल जाता है? तुरंत मिल जाता है, कैश वाला काम है, मतलब कैश वाला डेली पैसा, मतलब रोज का रोज है ना, और फिर लगाना भी नहीं है कुछ पैसा इसमें, है ना? नहीं। है ना। तो बहुत अच्छा लगा मोनू भाई, आज आपको कैसा लगा हमारे साथ वीडियो बना के? बहुत अच्छा, अच्छा लगा। आप कुछ बोलना चाहते हो लोगों को जो देख रहे हैं? कभी ऐसा वीडियो आपको बना है क्या? नहीं, पहली बार बना है। आप कुछ कहना चाहते हो जो लोग देख रहे हैं? कभी कभार होता है आदमी बहुत मायूस हो जाता है, काम नहीं मिलता है या कोई भी ऐसी बात है, हार मान जाता है, ऐसा? हम तो अपने ये बिजनेस से खुश है। खुश है? हाँ। बहुत खुश है भाई, देख सकते हैं। और दोस्तों मेरा ऐसी वीडियो देखा कीजिए और ऐसे लोग से रिस्पेक्ट। वहाँ मेरा बाल भी झड़ जा रहा था जहाँ काम कर रहा था। वहाँ बाल झड़ जा रहा था। अभी 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 आने लग गया है बाल, अभी हल्का फुल्का आने लगा, इसलिए टेंशन। ठीक ठीक। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और दोस्तों ऐसे लोग से जब हम मिलते हैं तो बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और देख सकते हैं कि मोनू भाई जो 25,000 आराम से कमा सकते हैं, अभी सीज़न नहीं है, सीज़न में तो और कमा लेंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर पढ़ाई छोड़ दिए तो आपको लगेगा कि मैं कमा नहीं सकता, आप बिज़नेस कीजिए। आप कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं सोचेंगे तो आप कर सकते हैं वो काम। अभी करके सोच रहा हूँ कोई जूस दुकान खोलने के लिए सोच रहे हैं। हाँ। मतलब दोपहर के बाद
देखो ये डबल तिबल कमाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं आइडिया का इनके पास कमी नहीं है। अभी थोड़ी देर और बात करेंगे तो बहुत सारे और जानकारी दे देंगे। तो अच्छा लगा इनसे मिल के। और दोस्तों मेरा ऐसी वीडियो देखा कीजिए, मेरा वीडियो डेली आता है दोपहर 1 बजे, एक टाइम खाली हो जाते हैं। हाँ सही बात है, नींबू पानी बेचेंगे। हाँ सही बात है, नींबू पानी बेचने वाले हैं। और दोस्तों मेरा ऐसी वीडियो देखा कीजिए, और ऐसे लोग को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए और ऐसे लोग से सीखना चाहिए हम लोग को, है ना। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम हो लेकिन हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, और अच्छा लगता है जब ऐसे लोग से मिलते हैं। और दोस्तों मेरा वीडियो डेली आता है दोपहर 1 बजे, रात को 9 बजे। ऐसे ही देखिए और कुछ सीखिए और आगे बढ़ते रहिए, और जीवन कभी हार मत मानिए। नेवर गिव अप इंडिया। बाय गाइस, सी यू सून, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू। एक मैं फ़ोटो लूँगा आपका।